भारतीय पुरुष हॉकी टीम 3 अगस्त से होने वाली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कितनी तैयार है? एशियन गेम्स को लेकर ये प्रतियोगिता कितनी अहम है और देश में हॉकी जड़ से कितनी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है? इस सब पर हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की से बातचीत की है, वो आपको दिखाते हैं। 3 अगस्त से भारत के चेन्नई शहर में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होने जा रही है और इस वक्त हमारे साथ हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप टिर्की मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। एक बड़ी ट्रॉफी, पहली बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भारत में, कैसे देखते हैं इस पूरे मूवमेंट को? एशियन चैंपियंस ट्रॉफी अपने आप में एक एशियन लेवल में बड़ी टूर्नामेंट है, जितने भी टॉप टीम्स हैं एशियन के सब पार्टिसिपेट करेंगे और इस टूर्नामेंट में ऑलरेडी इंडिया 3 बार जीत चुकी है, तो यकीनी तौर पर एक इतिहास रचने का एक मौका है 4थी बार जीत करके। कितना एक तैयारी के हिसाब से क्या देखते हैं, क्योंकि भारत का महामुकाबला जो रहेगा वो पाकिस्तान से 9 अगस्त को रहेगा और चाइना है, जापान है, मलेशिया है, कैसे देखते हैं इस पूरी तैयारी को, भारतीय टीम की तैयारी को इस टूर्नामेंट को लेकर? उम्मीद यही है कि जो होस्ट कर रहे हैं अपने कंट्री में, अपने चेन्नई में, तो हम चाहेंगे टीम चैंपियन हो, लेकिन जब पाकिस्तान भी अब उभर के आ रही है, कोरिया है, जापान है, मलेशिया, एशियन कंट्री आपस में बहुत अच्छी हॉकी खेलते हैं और जहां तक हॉकी इंडिया की परफॉर्मेंस हम देखें, अभी प्रो लीग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और उम्मीद है, और हमारे जो यंग स्टार हैं, यूथ खिलाड़ी, वो भी काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। ईयर देखा जाए काफ़ी बिजी ईयर है, क्योंकि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके बाद कुछ समय के बाद ही एशियन गेम्स में टीम इंडिया को पार्टिसिपेट करना है और फिर अगले साल ओलंपिक अपने आप में है, तो हर लगातार जो टूर्नामेंट भारतीय टीम खेल रही है, इससे कितना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप आप खुद देख रहे हैं टीम इंडिया के अंदर? एक अच्छी बात है, अच्छा एक कल्चर डेवलप हुआ है इस वक्त कि काफ़ी मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस खेलने को मिल रहा है और इस साल काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है हमारे लिए स्पेशली, क्योंकि ओलंपिक इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और लास्ट ओलंपिक्स आप सब जानते हैं कि काफ़ी सालों के बाद 41 ईयर के बाद हमने ब्रॉन्ज मेडल हम लोग ने जीता था और उसके साथ वुमेन्स महिलाएं उनका भी परफॉर्मेंस काफ़ी अप हुआ है, लेकिन उससे पहले एशियन गेम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए और एशियन गेम्स में जीतते हैं तो डायरेक्ट क्वालिफाई करते हैं और मुझे उम्मीद है कि एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ी बेटर करेंगे और डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगे। वैसे इंडिया में अगर देखा जाए तो हॉकी का हब जो है वो उड़ीसा को माना जाता है, लेकिन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी को चेन्नई को देने की कोई खास वजह? देखिए, उड़ीसा गवर्नमेंट, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं श्री नवीन पटनायक सर जी, उनका सपोर्ट काफ़ी रहा है, वहाँ वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बन चुका है, वर्ल्ड क्लास इवेंट ऑर्गेनाइज हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से लोग भी एंजॉय करने आते हैं, लेकिन अब हम लोग फोकस कर रहे हैं कि ऑलरेडी कई सारे सिटी में पहले 15-20 साल पहले हॉकी होती थी, काफ़ी लोग एंजॉय करते थे, कहीं ना कहीं किसी कारण के वजह से हॉकी साइड हो गया है, तो उस एरिया में दोबारा हॉकी हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं और एक पहल है चेन्नई, तमिलनाडु, जो कि मुझे याद है 2007 में लास्ट एशिया कप मैच हुआ था जहाँ मैं भी खेला था, हम लोग चैंपियन हुए थे, तो वहाँ पे क्राउड हॉकी मैच देखने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं, तो इसलिए और भी सिटी जहाँ जहाँ पर हॉकी मैच खेली जाती है दोबारा वहाँ पे हॉकी रिवाइव करने का एक प्रयास है। हम इस बार देख रहे हैं कि जो ट्रॉफी है वो भी भारत के कई शहरों से होकर गुजरेगी और इसका जो खास मकसद है वो यही है कि जो जन जागरूकता है युवा बच्चों के अंदर वो भी जुड़े और युवा जो हैं वो भी इस खेल से जुड़े, तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल पे आज भारतीय हॉकी जो है, कहना चाहिए जो भारत देश में हॉकी है, वो स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल पे कहाँ देखते हैं आप? देखिए, धीरे धीरे हॉकी को बच्चे पसंद कर रहे हैं और कई सारे हॉकी का इवेंट, कई सारे हॉकी का चैंपियनशिप हो रहा है स्कूल एकेडमिक्स में, ट्रॉफी टूर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, क्योंकि सब जब किस कोई टीम जब चैंपियन होता है, जीतता है, तो मेरे ख्याल से ट्रॉफी को देखते हैं, टीम को देखते हैं, लेकिन जब ट्रॉफी टूर हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक एरिया से गुजरता है, स्टेट से गुजरता है, सो उसे सब जुड़ रहे हैं, उसे स्पेशली यूथ जुड़ रहे हैं, उनके लिए मोटिवेशन है, उनके लिए इंस्पायर होते हैं वो सब,
तो इसलिए जो ट्रॉफी टूर काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आपने इस बात की बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप टिर्की, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार का जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है उसके लिए भारत की तैयारी जो है वो पूरी तरह से पुख्ता है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा टूर्नामेंट रहेगा जहाँ टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन करके खुद को एशियन गेम्स के लिए और फिर कहीं ना कहीं पेरिस ओलंपिक की तैयारी को लेकर के अपने आप को पुख्ता तौर पर सामने रख सकती है। कैमरामैन संजीव के साथ मैं गौरव कुमार, डीड न्यूज़, दिल्ली।